हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ गई हूं प्लीट्स बनाने की न्यू ट्रिक। जी हां दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी साड़ी ड्रॉप करना नहीं आता है या फिर आपसे प्लीट्स बिल्कुल भी नहीं बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखाया है किस तरह से आप कंघी की मदद से अपनी प्लीट्स को परफेक्टली बना सकती हैं। एंड चलते वक्त आपकी प्लीट्स नीचे से इधर उधर हो जाती है, बिखर जाती है, तो उसके लिए भी मैंने छोटी सी टिप्स बताई है जिन्हें आप फॉलो करेंगी तो आपकी प्लीट्स इधर उधर नहीं होगी। सो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर किया है। पेटीकोट का नाड़ा मैंने राइट में बांधा है, बट आप चाहे तो मिड में बांध सकती हैं। अब हम अपनी साड़ी को खोल लेंगे। सो देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका पल्लू है, तो पल्लू वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए साड़ी को खोलते हुए आपको साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। इस साड़ी को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, आपको बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, साड़ी का आखिरी सिरा इस तरह से लेते हुए राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करते हुए कमर में टकिंग करना है। तो सबसे पहले मैं राइट में टक करती हूँ, उसके बाद लेफ्ट में, एंड फिर जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से पेटीकोट के अंदर इंसर्ट कर लेना है। सो इस तरीके से हमारा सामने का पार्ट टक हो गया है। तो हम साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए साड़ी को थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करना है। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो देखिए, हमारी बेसिक टकिंग हो गई है। अब हम साड़ी को लेते हुए इस तरीके से इसके पल्लू वाले पोर्शन पे आएंगे। सो ये जो पल्लू है इसको आपको लेना है, बैक से घुमाना है, राइट की तरफ निकालना है। तो इस तरह से पल्लू आपका राइट की तरफ आ गया है। अब पल्लू का दूसरा कॉर्नर लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। अब यहाँ पर आप लेफ्ट राइट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं। तो देखिएगा, हम कंघी की मदद से उठाएंगे तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड के फैब्रिक को कमर में टकिंग की हूँ। अब हम पल्लू का दूसरा कॉर्नर इस तरह से पकड़ लेंगे एंड यहाँ पर देखिए, हमें अब ज़रूरत होगी अपनी कंघी की। तो ये जो कंघी है देखिए, बड़े दांत वाली है। इस तरह की कंघी में प्लीट्स को फंसा के बनाना इजी होता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। एंड यहाँ पर हैंडल है तो पकड़ने में भी आसानी होती है। अब यहाँ पर देखिए, हमें जितनी चौड़ी प्लीट्स बनानी है उतनी चौड़ाई डिसाइड कर लेनी है, उतनी ही दांत का हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी दांत का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो मुझे जितनी चौड़ी प्लीट बनानी है वहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से पल्लू का कॉर्नर फंसा कर पकड़ लिया है। एंड इसके बाद से सामने की तरफ से देखिए, इस तरह से आपको फैब्रिक को लेना है और जो आगे का दांत है उसमें फंसा लेना है। और फिर हम पीछे की तरफ आएंगे और जहाँ हमें पकड़ा हुआ था वहीं पर पकड़ लेंगे। ये जो पहली प्लीट बनी है इसे निकाल कर पीछे की साइड कर देंगे इस तरह से दांत में से खिसकाते हुए। अब फिर से हम इस तरह से लेकर आएंगे फैब्रिक को, फंसाएंगे दांत में और दूसरी प्लीट बनाएंगे। अब ये जो दूसरी प्लीट बनी है इसे निकाल कर बैक साइड की तरफ कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप प्लीट बनाएंगे बहुत ही आसानी से और एक बराबर आपकी प्लीट्स बनेगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना कि आप कितनी चौड़ी पतली प्लीट बनाएं, तो ये ट्रिक सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि इस तरह से जब हम प्लीट्स बनाते हैं ना तो सभी प्लीट्स हमारी एक बराबर बनती है। बस कई बार ये होता है ना कि जब हम प्लीट बनाते हुए आते हैं तो लास्ट की जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो अगर आपको वो प्रॉब्लम आती है तो देखिए, यहाँ पर हम किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे। देखिए, लास्ट प्लीट तो अच्छे से बन नहीं रही है और इसका डायरेक्शन हमारा लेफ्ट की तरफ हो गया है। दोनों प्लीट का आप डायरेक्शन देखेंगी तो एक ही तरफ है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसे मैनेज करने के लिए देखिए, हम कॉम को निकालेंगे एंड यहाँ पर प्लीट्स को पकड़ लेना है। अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करके बाहर की तरफ यानी राइट की तरफ इसके डायरेक्शन को मैनेज कर लेना है। तो देखिए, अंदर की प्लीट्स हमारी पतली है, बट देखिए इसका डायरेक्शन मैनेज हो गया है। तो इस तरीके से सामने रखकर आप चेक कर सकती हैं, प्लीट्स हमारी बन गई है। तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। इस तरह से सिक्योर कर लेने से हमारी जो प्लीट्स है ना, अगर छूट भी जाए तो दोबारा हमें बनानी नहीं पड़ती है। अदरवाइज आप इस सेफ्टी पिन को स्किप भी कर सकती हैं। अब देखिए, हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए चेक करना है एंड थोड़ी सी दूरी पे देखिए, एक बार में हम शोल्डर की प्लीट्स नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी दूरी पे साइड से हम वन बाय वन एक एक प्लीट्स को झटकते हुए अरेंज करेंगे। सो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए आगे की प्लीट को सेट करना है। सो फैब्रिक को सामने लाएंगे, फिर से झटक देंगे एंड साइड से थोड़ी सी दूरी पे वन बाय वन एक एक प्लीट्स को झटकते हुए अरेंज करेंगे। इस तरह से पल्लू हमारा आसानी से सेट हो जाता है। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें घुटने से नीचे ही रखना है। पल्लू लॉन्ग रखने से हमारा लुक भी टॉल नज़र आता है। अब जो सामने की प्लीट है ना देखिए, इसे भी आपको पहले ही थोड़ा सा ठीक कर लेना है, नहीं तो जब आप सेफ्टी पिन लगाएंगे सामने से प्लीट्स इधर उधर हो जाती है। अब देखिए, हम बड़ी सी सेफ्टी पिन लेंगे एंड इसके बाद ब्लाउज के शोल्डर में सिक्योर करेंगे पल्लू को। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे 1 या 2 इंच बैक में आना है।
पल्लू की प्लीट्स ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ना है। सेफ्टी पिन को ब्लाउज के अंदर से इंसर्ट करेंगे एंड देखिए अंदर की तरफ ही सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करना होता है। तो अगर आप ऐसे सेफ्टी पिन लगाएंगे पल्लू आपका सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा। अब देखिए पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर अपने बस्ट एरिया पर सेट करना है एंड ये जो सामने से प्लीट आ रही है इन्हें भी ठीक कर लेना है। सो इस तरीके से पल्लू वाले पोर्शन को हम बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे एंड यहाँ हिप वाले पोर्शन पे सेट करना है। सो इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए राइट वाले पैर तक लेकर आना है। अब यहाँ पर फैब्रिक सेट हो गया है तो देखिए राइट साइड से थोड़ा सा फैब्रिक पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पतली पतली प्लीटें बन जाती है। मैं 3 या 4 इससे ज़्यादा प्लीट्स नहीं बनाती हूँ नहीं तो नीचे से फैब्रिक उठ जाएगी। अब हिप पे अच्छे से सेट करना है। इस तरह से नेवल के सामने फिंगर रखते हुए उसके नीचे से क्रॉस कराते हुए जाएं एंड जब हमारे प्लीट सेट हो जाती है तो पेटीकोट के साथ पकड़ लेना है। बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन में मैंने यहाँ पर प्लास्टिक अटैच किया था ताकि साड़ी उसमें फंस के ना फटे। इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए ज़िगज़ैग स्टाइल में हम सेफ्टी पिन लगाएंगे जैसे कि स्टिचिंग करते हों। सो इस तरह से अगर आप सेफ्टी पिन लगाएंगे आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं फटती है और हिप वाला पोर्शन पे देखिए हमारा प्लीट्स भी बन गया और अच्छे से फिटेड भी हो गया है। इसके बाद जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर हम फैब्रिक को सबसे पहले अच्छे से झाड़ लेंगे एंड इसके बाद से प्लीट्स बनाएंगे। यहाँ पर देखिए अंदर साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मैं प्लीट उठाऊंगी तो थोड़ा सा अंदर से फैब्रिक छोड़ दिया है एंड इसके बाद यहाँ पर पकड़ना है। अब लेनी है अपनी कॉम्ब, सेम कॉम्ब मैंने लिया है। तो इस तरह से कंघी को लेते हुए जो कंघी का स्टार्टिंग वाला दांत है उसमें इस तरह से फैब्रिक को मैं इंसर्ट करके फंसा लूँगी। अब देखिए यहाँ पर फंस गई है तो पकड़ लेना है एंड इसके बाद सामने की तरफ आएंगे और जो सामने का दांत है उसमें फंसा के फिर लास्ट वाले दांत के पास ले जाकर पकड़ लेना है। ये हो गई पहली प्लीट। अब इसको निकाल के बैक साइड की तरफ कर देंगे एंड फिर से उठाएंगे दूसरी प्लीट। तो इस तरह से देखिए हमारी प्लीट बिल्कुल एक बराबर और चौड़ी चौड़ी भी बनेगी क्योंकि मैं यहाँ चौड़ी चौड़ी प्लीट बना रही हूँ। इसलिए देखिए शुरू के दांत से लेकर लास्ट के दांत तक मैंने यूज़ किया है। सो आपकी कॉम्ब अगर छोटी है तो आप थोड़ी सी बड़ी कॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकती है अगर आपको इससे भी चौड़ी प्लीट बनानी है। तो मेरी प्लीट्स जो बन रही है वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी है क्योंकि जो सिल्क की साड़ियाँ होती है ना इनमें चौड़ी चौड़ी ही प्लीट्स बनाई जाती है। और प्लीट बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी शोल्डर की बनाई। देखिए फैब्रिक को आगे लाकर दांत में फंसाना है। जब ये प्लीट बन जाएगी इसको निकाल के बैक साइड की तरफ इस तरह से कर देंगे। सो इस तरह से हमारी प्लीट्स एक बराबर और बिल्कुल आराम से बनती है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कॉम्ब है ना अच्छे से इन्हें होल्ड कर लेता है। बस आपको पकड़े रहना है ताकि आपकी प्लीट्स छूट ना जाए। देखिए यहाँ पर लास्ट में ये जो फैब्रिक है ना इसकी प्लीट नहीं बन रही है तो इसे हम ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे। जितनी प्लीट बन गई है ना इनको ऐसे आपको नहीं पकड़ना है। देखिए इस तरह से नहीं पकड़ना, एक एक करते हुए एक बराबर प्लीट को इस तरह से पकड़ लेना है। अब हमने प्लीट को अच्छे से पकड़ लिया तो कंघी को निकालेंगे एंड ये जो प्लीट बनी है इनका डायरेक्शन देखिए हम लेफ्ट की तरफ करते हुए थोड़ा सा झटक देंगे। अब ऊपर साइड से हम इन्हें अरेंज करेंगे। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए हम प्लीट्स को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब हमारी प्लीट अरेंज हो गई है। सभी प्लीट को पकड़ लेना है केवल पहली प्लीट को खोलेंगे और राइट साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे। सो कभी भी जो सामने की प्लीट होती है ना उन्हें बाकी की प्लीट से हमें चौड़ी रखनी होती है तभी वो अच्छे से सेट होती है। अब अंदर से सभी प्लीट को पकड़ के इस तरह से झटक दिया है मैंने एंड यहाँ पर देखिए हम इन प्लीट को सिक्योर करेंगे। तो थोड़ी सी दूर पे साइड से 1 by 1 एक एक प्लीट को इस तरह से पकड़ लेना है। अब यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ। सेफ्टी पिन से साड़ी ख़राब हो सकती है इसलिए मैं इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ करती हूँ। सो देखिए प्लीट हमारी सिक्योर हो गई है। इस तरह से हमने सिक्योर इसलिए किया है क्योंकि देखिए नीचे से प्लीट पूरी फूली है, एकदम बिखरी हुई है, इन्हें सेट करना है। तो सेट करने के लिए अब देखिए साइड से हम थोड़ी सी दूरी पे 1 by 1 एक एक प्लीट को इस तरीके से पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। झटकते हुए अरेंज करेंगे ना तो आपको प्लीट्स नज़र आने लगती है। सो यहाँ पर देखिए हमारी इतनी पोर्शन हमने रेडी कर ली है। सो इस वाले पॉइंट पर हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने वाली चिमटी का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर सिक्योर हो जाने के बाद देखिए इन प्लीट को आपको एक बार अच्छे से प्रेस करना है हैंड से इस तरह से। अब इतना पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया तो हमें नीचे की तरफ आना है और फिर थोड़ी सी दूर पे साइड से हम 1 by 1 छटकते हुए एक एक प्लीट्स को अरेंज करेंगे। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें नीचे की प्लीट को भी सेट करना पड़ता है। जब आप एक बार सेट कर लेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से प्लीट बैठ जाती है और बिल्कुल भी फूली नहीं दिखती है। इतना पार्ट हमने फिर से रेडी किया है। अब हम आएंगे फॉल साइड की तरफ और यहाँ पर एक एक प्लीट को पहले इस तरह से ठीक कर ले ताकि ये हमें नज़र आए। जब ये आपको इस तरह से नज़र आने लगेगी तो इन्हें अरेंज करना शुरू करेंगे। तो साइड से एक एक प्लीट को इस तरीके से पकड़ लेना है।
अब पकड़ते हुए यहाँ पर देखिए हैंड से प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पर अच्छे से प्रेस करना है, तो इसके लिए देखिए मैं नीचे से फोल्ड कर रही हूँ फैब्रिक को और मुट्ठी से पूरा दबा कर इसे प्रेस कर रही हूँ। इस तरीके से प्रेस करने से प्लीट काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है एंड बिल्कुल भी फूली फूली नहीं नज़र आती है। तो यहाँ पर प्लीट्स देखिए हमारी काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ लेंगे एंड देखिए नेवल के ठीक सामने रखते हुए पेटीकोट में टकिंग करना है। तो इस तरह से टक हो जाने के बाद अब यहाँ राइट साइड में देखिए थोड़ा बहुत फैब्रिक ओपन रह जाता है, तो इसे टक करते वक्त देखना है कि नीचे से फैब्रिक ऊपर की तरफ ना उठे, ना ही फर्स्ट प्लीट राइट की तरफ भागे। तो जो फैब्रिक जहाँ तक वहीं टक करने के बाद इस तरह से पल्लू से इसे कवर कर लेना है और जो पल्लू की प्लीट है इन्हें एक बार अच्छे से ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा की चिमटी और सेफ्टी पिन हमने लगाई है उसे रिमूव कर लेंगे एंड इस तरह से देखिए हमारी जो प्लीट्स है ना कमर की वो काफ़ी अच्छे से बैठ चुकी है। बट चलते वक्त क्या होता है ना कि जब हम बहुत तेज़ी में चलते हैं तो हमारी प्लीट बिखर जाती है, इधर उधर हो जाती है और फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए देखिए जो हमारी ऊपर से शोल्डर की प्लीट्स आ रही है उसके थोड़ा सा नीचे से एक एक प्लीट को इस तरह से अरेंज करेंगे। यहाँ पर अरेंज करने के बाद सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं ब्रोच वाली पिन का यूज़ कर रही हूँ और पेटीकोट को लेते हुए आपको सिक्योर करना है। अब ऐसा करने से आपकी जो प्लीट है ना काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बैठी रह जाती है, आप कितना भी चलिए नीचे से उतनी बिगड़ नहीं पाती है क्योंकि ऊपर से अच्छा सा सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद से जो हमारा फाइनल लुक है ना वो आप देख सकती हैं। एंड इसके अलावा भी मेरे चैनल पे आपको और भी कॉम प्लीट्स मेकिंग ट्रिक मिल जाएगी, तो मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी इजी साइड रैपिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।